आज हम आपको बताएंगे मूंग और मसूर की दाल बनाने का तरीका। उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा कप मसूर की दाल, एक छोटा कप मूंग की दाल। इसमें जो मसाले डालेंगे उसके लिए हमें एक चम्मच हल्दी टर्मरिक पाउडर, एक चम्मच सूरख मिर्च रेड चिली पाउडर और एक चम्मच नमक यानी सॉल्ट। प्रेशर कुकर में हमने भीगी हुई दाल डाली है और इसमें डाला है 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे ये मसाले। अब हमने प्रेशर लगा के इसको पकने के लिए रख दिया है और इसके नीचे आंच तेज़ रखनी है। तड़का लगाने के लिए 4 पीस गार्लिक यानी लहसुन के मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिए हैं और इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दें तैयार करने के लिए। बंद कर दिया है, अब हम इसका प्रेशर खोलेंगे। ये देखें दाल पक के तैयार हो चुकी है। साथ ही तड़के के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें ये लहसुन जब ब्राउन हो जाएगा तो इसको चूल्हे को बंद कर दें। अब इसमें तड़का लगाएंगे हम। इसको गार्निश करने के लिए इसमें मक्खन, थोड़ा सा गरम मसाला, और बारीक कुटा हुआ हरा धनिया। मज़ेदार मूंग मसूर की दाल आपके सामने पक्के तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।